बीडीओ विष्णुदेव कच्छप के कार्यालय कक्ष में प्रखंड स्तरीय शिक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में उपस्थित बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी से विद्यालय स्वच्छता कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे स्वस्थ बच्चे, स्वच्छ विद्यालय, छात्रों के कोरोना टीकाकरण, शिक्षकों की शिक्षा संबंधी कार्य, विद्यालय में छात्र उपस्थिति सहित विद्यालय भवन, पेयजल सहित उपलब्ध संसाधनों की जानकारी बीडीओ विष्णुदेव कच्छप एवं सीओ धनंजय पाठक द्वारा ली गयी। साथ ही कहा गया कि स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर विद्यालय में होने वाली गतिविधियों को शत प्रतिशत लागू कर राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाए। साथ ही साथ विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए सामाजिक बदलाव एवं व्यवहार दक्षता को बढ़ावा दें। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के वैक्सीनेशन को पूरी प्राथमिकता के साथ कराते हुए विद्यालय पहुंचने वाले सभी छात्रों को वैक्सीनेट कराएं। बैठक में सभी सीआरपी को छात्रों के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु बैंक खाता खुलवाने के साथ आधार सीडिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही विद्यालय संचालन एवं शैक्षणिक गतिविधियां के अद्यतन प्रतिवेदन कार्यालय में समर्पित करने की भी बात कही गई। बैठक में बीओ तरसीला क्रिकेटा, बीपीओ नीरज कुमार, नीलम नैन्सी मिंज, बीआरपी हीरालाल महतो, सीआरपी जितेंद्र कुमार सिंह, विजय कमल, अमित केसरी, समित दे, अरविंद कुमार, राजबली साहू, रिसोर्स टीचर विजय महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।